हेलो एवरीवन. सो लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कशन किया था. तो आज मैं पहले सबसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी. देन आई विल स्टार्ट इनवर्टिबल मैट्रिक्स. दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो कम टू द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया है, तुमको वेरीफाई करना है दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई. तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है उससे हम लोग ए डैश को फाइंड करेंगे. ठीक है, तो आंसर को मैंने जस्ट डायरेक्टली लिखा है. ठीक है, बट रिप्रेजेंटेशन करने के टाइम तुम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करोगे, गिवन क्या कंडीशन है उसको लिखना है. तो यानी कि ए मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखना होगा, फिर वहां से ए डैश को तुम लोग फाइंड करोगे. उसके बाद हमको प्रूफ करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को लेना है. ए डैश इंटू ए फाइंड करेंगे हम लोग. तो ए डैश इंटू ए जब हम लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्टिंग इस तरह से होगा. मैंने जस्ट तुम लोग को मैंने जस्ट ब्रीफली आंसर को मतलब मैंने सॉल्व किया है. सो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए हम लोग फाइंड करेंगे. तो हम लोग को मालूम है ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में इंटरचेंज होता है. तो कॉस अल्फा के नीचे साइन अल्फा. सिमिलरली ये जो रो है वो कॉलम में चेंज जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा. सो नाउ वी कैन राइट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए क्या हो जाएगा, ए डैश की जगह हम लोग ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं इंटू ए. ए मैट्रिक्स हम लोग का जो मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ठीक है, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का हेल्प से दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. तो रो विल मल्टीप्लाई विद द कॉलम. ठीक है, तो रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट विल बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट. सिमिलरली जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा. ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा. ठीक है, तो ये तुम्हारा कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के जगह में इसको हम लोग लिखेंगे. Similarly, come to the second row. So this second row will be multiplied with the first column. So sin alpha into cos alpha minus cos alpha into sin alpha. ठीक है, minus दिया क्योंकि यहाँ पे minus है. Similarly, second row will be multiplied to second column and we can write in second row second column place. So sin alpha sin square alpha plus cos alpha will be cos square alpha. अभी देखो ये क्या है, using identity we can write it as one. Similarly ये भी क्या हो जाएगा, वन. अभी बचा है ये दोनों एलिमेंट अच्छे से देखो, कॉस इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस, दोनों बात सेम ही है. दैट मीन्स जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये हो गया जीरो. सिमिलरली साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा दिस विल बी जीरो. या फिर अगर तुमको यहाँ पे डाउट होता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो साइन एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला था उसको भी अप्लाई कर सकते हो. तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला था साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो उसको भी अगर हम लोग अप्लाई करें तो हम लोग का यहाँ पे साइन अल्फा माइनस अल्फा आ जाएगा. तो साइन अल्फा माइनस अल्फा इज साइन जीरो एंड साइन जीरो डिग्री इज जीरो. ठीक है, तो ये हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमको प्रूफ करना था. ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, If A and B are symmetric matrices, then show that AB is symmetric if and only if AB is equal to BA. That is A and B commute. Important question है, high level, जैसे कि तुम लोग higher classes में चले जाते हो कभी, बाद में जाके अगर तुम्हारा mathematics subject है तो इस type का questions आता है वहाँ पे. ठीक है, बहुत basic question है, मतलब बहुत basic मतलब fundamental है question, जो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसी में से है. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स उसी में से है. तो इसको करते हैं अभी. सो देखो, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि ए बी को हमको सिमेट्रिक अगर प्रूफ करना है तो हम लोग को गिवन कंडीशन क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी ए. और अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो हमको क्या दिया होगा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब, क्योंकि तुम लोग जानते हो. ठीक है, अगर ये गिवन है तो इसको प्रूफ करना होगा और ये गिवन है तो हम लोग को इसको प्रूफ करना होगा. ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रूफ इसका दिखा रही हूँ. हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए. तो ए बी अगर सिमेट्रिक हम लोग को प्रूफ करना है, यानी हमको क्या प्रूफ करना होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू क्या आना होगा, ए बी। जैसे कि हम लोगों को पता है अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, तो वैसे ही ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूफ करने के लिए जा रही हूँ, मेरा गिवन कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो देखो मैंने कैसे प्रूफ किया, सबसे पहले मैं ए बी का होल ट्रांसपोज ले ले रही हूँ, ठीक है, पहले इसको लिया मैंने, बट ये तो किसके इक्वल है, बी डैश इज इक्वल टू ए डैश। तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा यूजिंग ट्रांसपोज, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, वी कैन राइट दिस, ओके। सो इन प्लेस ऑफ बी डैश वी कैन राइट बी, एंड इन प्लेस ऑफ ए डैश वी कैन राइट ए। तो ये हो जाएगा बी इंटू ए। अभी देखो बी इंटू ए और ए बी क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है मेरा अभी कंडीशन। तो मैं बी ए के जगह में क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, सिंपल है, ये गिवन है, इसको प्रूफ करना है। तो ये अगर गिवन है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो सिमेट्रिक हम लोग को ऑलरेडी दिया है, अभी हमको ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखना है। तो ए बी होल डैश किसके बराबर है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है, ठीक है, यूजिंग ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये इसके जगह जब हम लोग बी डैश इंटू ए डैश लिखेंगे तो बी डैश के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, बी, वो तो ओवरऑल हम लोग को गिवन ही है क्योंकि, तो बी डैश के जगह हम बी लिखेंगे और यहाँ जो ए डैश आएगा उस ए डैश के जगह में क्या लिखेंगे, ए। तो उससे ये फाइनली क्या बनेगा, बी ए, और जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज ए बी रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो हम लोग का इस तरफ से भी प्रूफ हो गया, यानी कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, और उल्टा क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इफ ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों वे से हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं इजिली, ठीक है। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है तुम लोग को मैं करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है ए, शो दैट ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो सबसे पहले देखो तुमको जो शो करना है, मैट्रिक्स को शो करना है, जैसे ट्रांसपोज हो, ट्रांसपोज शो करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी शो करना है, पहले उसका डेफिनेशन को पहले याद करो, रिकॉल करो क्या डेफिनेशन था उसका। डेफिनेशन को अगर तुम लोग को मालूम चलेगा तो श्योर तुम लोग इजीली इसको कर सकते हो। जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो डेफिनेशन था वो था ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, दैट मीन्स ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको तुम लोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, मैट्रिक्स है गिवन है, फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग एक्स बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है, व्हेन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई वेयर ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए। तुमको एक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो उस हिसाब से तुमको देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तुमको ऑर्डर कितना लेना है, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग इक्वल लिख रहे हैं मतलब क्या, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो उस तरफ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी इतना ही होगा जितना ए का है, ठीक है। तो तुम लोग इसको करना है, इस इक्वेशन में पुट करके एक्स का वैल्यू को फाइंड करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। बट एक्स का वैल्यू तुमको देखना है किसके बीच में होना चाहिए, जीरो टू 90 डिग्री, क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि हम लोग जितना रोटेट करेंगे, जितना हम लोग घूमेंगे उतना ही क्या होगा, एंगल तो चेंज होगा बट वैल्यू तो सिमिलर ही आएगा, ठीक है। तो बहुत सारा वैल्यूज होता है, लेकिन तुमको यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उस रिस्ट्रिक्शन को देखना है कि एक्स का वैल्यू हमको किस एंगल से किस एंगल के बीच में चाहिए, ठीक है। तो बिटवीन 0 टू 90 डिग्री में तुम लोग को देखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैंने दिया फर्स्ट रू। थर्ड क्वेश्चन में आओ, शो दैट अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। तुम लोग को क्या शो करना है, एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो तुमको सिमेट्रिक का डेफिनेशन मालूम है ए डैश इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन मालूम है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अभी ये दोनों इक्वेशन से तुम कैसे
ए मैट्रिक्स को, तुम अगर ए मैट्रिक्स अगर ले रहे हो तो ए मैट्रिक्स को तुमको क्या दिखाना होगा, नल मैट्रिक्स तुमको दिखाना है। नल मैट्रिक्स यानी उसका सारा जो अंदर का एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो तुमको ये शो करना है। और तुम्हारे पास गिवन कंडीशन क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इजिली कर सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट टॉपिक, ओके, दिस इज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं एक मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और एक मैट्रिक्स को हमको क्यों ट्रांसफॉर्म करना है, और ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रॉपर्टीज है वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एक ही मोटिव है, ताकि हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकें, ठीक है। तो इन्वर्स और ये दोनों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करना मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इनटू अ न्यू मैट्रिक्स। बट हम लोग जो न्यू मैट्रिक्स है और जो ओल्ड मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बोलते हैं। क्यों इक्वल नहीं बोलते हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने तुम लोग को बताया था। इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इक्वल होना, उसका ऑर्डर सेम होना। लेकिन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब है अगर हम लोग उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, उसके बाद जो नया मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स और जो ओल्ड मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्योंकि चेंजेस करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके एलिमेंट्स में चेंजेस आएगा, एलिमेंट्स का जो जो नंबर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे चेंज होगा देखो, सो इसमें तीन प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रो और एनी टू कॉलम। यानी एक मैट्रिक्स का, हम लोग एक मैट्रिक्स का रो को, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज करके नया एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, वो होगा एक ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ठीक है। तो इमीडिएटली क्या हो रहा है, अगर हम लोग रो को इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो एलिमेंट्स भी साथ साथ में इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो जो हम लोग का ओल्ड मैट्रिक्स है और न्यू मैट्रिक्स है, दोनों में क्या चेंजेस है, दोनों का रो चेंज हो जाएगा, ठीक है, रो या फिर कॉलम चेंज हो जाएगा। तो उससे हम लोग दोनों को इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, इक्वल नहीं होगा उसका पोजीशन, क्योंकि चेंज हो जाएगा। तो तब हम लोग वो दोनों मैट्रिक्स को, हम लोग दोनों मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, दे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ओके। तो उसको मैं बाद में उसका डेफिनेशन भी बताऊंगी। तो सेकेंड, तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आर आई आर जी, और यहाँ देखो डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है, ये जो रो है, सपोज ये सेकेंड रो है, यहाँ पे देखो जे लिखा है, यहाँ पे आई, दोनों अलग अलग अल्फाबेट है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वन लिख रही हूँ और यहाँ पे टू लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, जो रो टू का वैल्यूज है वो सब रो वन में चला जाएगा, और जो रो वन का सारा वैल्यूज है वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंड रो में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंटरचेंज हो रहा है, इसीलिए डबल साइडेड एरो हम लोग इसमें दे रहे हैं। सिमिलरली जैसे हम रो में चेंजेस कर रहे हैं, लाइक दैट ओनली वी कैन चेंज इन कॉलम ऑल्सो, सो वी कैन इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम वन इंटू कॉलम टू, ठीक है, दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो उसको अगर करेंगे तो हमको सिम्बोलिकली हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सी आई सी जे, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर आओ, सेकेंड, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर, यानी कोई भी रो या कोई भी कॉलम में हम लोग कोई नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी वो मैट्रिक्स क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स हमको मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो उसको कैसे सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखो आर आई एरो के आर आई, यहाँ पे आर आई क्यों लिखा है, क्योंकि उसी रो में मैं वही सेम रो में स्केलर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे बात अलग था, यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए आर आई आर जे, यहाँ पे क्या है, उसी रो में हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर कॉलम ऑल्सो, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि एट ए टाइम हम लोग रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर कॉलम को, ठीक है, आइदर रो और कॉलम, हम लोग दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ में नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ कुछ इसका लिमिटेशन है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब है कोई भी रो में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, दूसरा रो को ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे रो में हम क्या करेंगे, कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे मैंने कोई स्केलर को मल्टीप्लाई किया नॉन जीरो स्केलर, तो नॉन जीरो स्केलर में वन भी होता है,
वन बाई टू भी होता है, माइनस टू भी होता है, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, सभी नंबर हो सकता है। तो अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो में, जैसे मैंने सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं फर्स्ट रो में उसको ऐड कर दूंगी, ठीक है, अलग रो है, देखो यहाँ पे जे है यहाँ पे आई, तो उसको फर्स्ट रो में मैंने ऐड कर दिया, कुल मिला के जितना मुझे वैल्यू मिलेगा उसको मैं कहाँ लिखूंगी, फर्स्ट रो में, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत गलती होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ आई है और यहाँ पे भी आई है, मतलब यहाँ अगर फर्स्ट रो है तो यहाँ पे भी हमको फर्स्ट रो ही लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो क्या काम, फर्स्ट रो को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली हम सेकेंड रो को अगर चेंज करेंगे तो यहाँ आर टू लिखोगे तो यहाँ पे भी टू लिखना होगा। और ये क्या काम कर रहा है, ये जो दूसरा जो रो है वो, जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ऐसे कैटलिस्ट ना, तो वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे जैसे रो वन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, दूसरा कोई रो यहाँ पे हेल्प कर रहा है, लेकिन उस रो में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो रो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। दूसरी तरह थर्ड रो है, सपोज थर्ड रो को हम लोग चेंज कर रहे हैं बट सेकेंड रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज करेंगे बट सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, देयर विल बी चेंज इन ओनली सेकेंड रो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ न्यू मैट्रिक्स।